पांच साल एक पार्टी, पांच साल दूसरी पार्टी, तो यही आप लोगों का काम रह गया है। इससे आप लोग कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस को अदल बदल के सत्ता में लाने की बजाय इनको सत्ता से दूर करके आप लोग अपनी पार्टी को सत्ता में लाएं, तो तभी आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने हिमाचल प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर वे अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अब माननीय बहन जी से निवेदन करूंगा कि माननीय बहन जी हिमाचल के लोगों को दिशा निर्देश दें। माननीय बहन जी, चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग हिमाचल प्रदेश में यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए तथा भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में मैं विशेषकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में लगी हैं, निष्प्रभावी बनाने में, तथा इसे अब धीरे धीरे ख़त्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस व बीजेपी आदि की रही सरकारों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वालों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत अभी भी पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है और अभी भी है, किंतु इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी
केंद्र में आपके हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ अब तक रही सभी सरकारों की जातिवादी पूंजीवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यह पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास होने के बजाय यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर वास्तव में यहाँ की जनता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई व अन्य सभी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। किंतु इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भी लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक वे अन्य सभी नीतियाँ यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुँचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियाँ तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियाँ केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में चार बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है,
जिनकी यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ, हमने इन वर्गों के हितों में जो उपेक्षित लोग हैं इनके हितों में इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी वैसे आप लोगों को है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता ना देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है, बल्कि हमारी रही सरकार ने वहाँ जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसकी यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की जान माल व मजहब आदि की भी पूरी ईमानदारी निष्ठा से हिफाजत की है। इसके साथ ही हमने वहाँ विकट परिस्थितियों में कोई भी सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा नहीं होने दिए हैं, और ये हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में यहाँ अभी तक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसे उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी भुलाने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को तो मालूम है कि हिमाचल प्रदेश आपका अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र होने के बावजूद भी मान्यवर श्री कांशीराम जी जब वो जीवित थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और आपके हिमाचल प्रदेश को काफ़ी समय दिया। उन्होंने बगल में हरियाणा प्रदेश लगा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, इधर भी इन यहाँ पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है इस स्टेट में, तो इस हिमाचल प्रदेश को माननीय श्री कांशीराम जी ने इसको इग्नोर नहीं किया, तो इसको भी पूरा समय दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोग आपको काफ़ी समय दिया, लेकिन आप लोग पूरे 5 साल तक बीजेपी सत्ता में होती है तो बीजेपी को कोसते हो, कांग्रेस सत्ता में होती है कांग्रेस को कोसते हो, लेकिन अपनी कमियों को दूर करने के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते। यदि आप लोग दलित और पिछड़े और आदिवासी लोग और अपर कास्ट में से गरीब लोग यदि आपस में मिलकर भाईचारा पैदा करके अपनी पार्टी को मजबूत बना लें और यहाँ अपनी सरकार बना लें, तो फिर आप लोग उत्तर प्रदेश की तरह आप लोग यहाँ की जनता को हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। केंद्र की जो सरकार है
वो भी बराबर ध्यान नहीं देती है, जबकि जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक साधन है यदि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर तो वहाँ के स्थानीय लोगों को यदि उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके और उनको रोटी रोजी के साधन दे दें तो मुझे क्या लगता है कि उनको अपने क्षेत्र छोड़कर इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो और यहाँ पर काफ़ी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ तो खेती भी अच्छी होती है, फल भी काफ़ी होता है, लेकिन जो असली जो मेहनत का किसान है तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है, ज़्यादातर व्यापारी वर्ग को लाभ मिल जाता है। इस ओर भी ना तो केंद्र की सरकार ध्यान देती है और ना ही स्टेट की सरकार ध्यान देती है, लेकिन आप लोग जो पार्टी पावर में आती है उसे गाली गलौज करते रहते हैं 5 साल तक, फिर दूसरी पार्टी को ले आते हैं। तो 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, तो यही आप लोगों का काम रह गया है। इससे आप लोग कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप लोग बीजेपी और कांग्रेस को अदल बदल के सत्ता में लाने की बजाय इनको सत्ता से दूर करके आप लोग अपनी पार्टी को सत्ता में लाएं, तो तभी आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो लेकिन हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने काफ़ी कुछ हमारी बात को माना, वहाँ हमें 4 बार सत्ता में आने का मौका मिला, बहुत कुछ काम किया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जब से ये वोटिंग मशीन का सिस्टम शुरू हुआ है किस्म किस्म के लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा आप लोगों को ये कहना है कि जब वोटिंग होता है तो अब बैलेट पेपर से तो नहीं हो रहा है, वोटिंग मशीन के जरिए हो रहा है, आप लोगों को उनकी सुरक्षा करना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने तो जब तक वहाँ पर खास तौर से बैलेट पेपर के जरिए तो वहाँ पर चुनाव होता रहा, पूरे देश में होता रहा, तो यूपी में हमें 4 बार गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, लेकिन बाद में लोगों को समझने में भी टाइम लगा और काफ़ी गड़बड़ हो रहा है पूरे देश के अंदर। तो इस ओर भी आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे आप लोग अपने बैलेट पेपर पे ध्यान देते थे मतलब, तो वोटिंग मशीनों की तरफ भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में वे हर स्तर पर काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हिमाचल प्रदेश में आम जनहित के वे खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके प्रदेश में हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ आपके प्रदेश में भी हर मामले में वे हर स्तर पर आम जनहित की अर्थात सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश की वे आम जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये सभी कार्य यहाँ अपनी पार्टी की सरकार बनने से ही संभव हो सकते हैं। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है, तो उनसे आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां
सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए भी हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने हिमाचल प्रदेश के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, और तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर वे अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जो यहाँ आप लोगों के सामने कुछ मंच पर हैं, कुछ सामने आपके प्रत्याशी इधर मौजूद हैं, मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन्हें भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, अर्थात आपको यहाँ अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, बहुजन समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में।